ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा VXI मॉडल। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर इसके टॉप एंड देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, मैंने लगा दिए, वहाँ पे आप जाके इसके टॉप एंड वेरिएंट्स चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसकी जो टेस्ट ड्राइव अगर बुक करना चाहते हो तो घर बैठकर आप बुक कर पाओगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ऑफरिंग की मारुति सुजुकी की तरफ से, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑफरिंग है। वीडियो अच्छा लगता है, गाड़ी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं पास में और इसका जो पूरा क्लोज व्यू है वो आपको दे देते हैं। तो पहले नीचे आ जाते हैं, पूरी जो एजेस हैं वो आप चेक कर सकते हो अपनी। चलते हैं पास में, अपने हेडलैम्प्स हैं वो आप चेक कर लो, DRL प्लेसमेंट्स देख लो, हेडलैम्प आपको कैसे लगे नई ब्रेजा में ज़रूर बताइएगा, आपके व्यूज़ जाना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। नीचे आप देखते हैं तो कोई भी आपको फॉग लैंप वगैरह प्रोवाइड नहीं करा गया है, अगर आप चाहते हो तो आप अलग से लगवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। और वैसे फॉग लैंप्स लगवाने चाहिए, विंटर टाइम में काफ़ी अच्छा हो जाता है फॉग टाइम में। अपनी जो ग्रिल है वो आप देख लीजिए, तो पूरी क्रोम ग्रिल आपको इधर प्रोवाइड करी गई है, सुजुकी की ब्रॉड सी ब्रांडिंग इधर आप देखते हो, शानदार लग रही है ग्रिल। वापस से पीछे आ जाते हैं और इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है फिर से मैं आपको पूरा चेक करा देता हूँ, कंप्लीट व्यू आप ले सकते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल का। कोई क्वेरी मन में अभी तक आ रही हो तो नीचे अकाउंट से पोस्ट कर देना, उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश होगी। फ्रंट की काफ़ी अच्छे से बात हो गई है, अब चलते हैं इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे, साइड प्रीव्यू पूरा आपको देंगे। इधर इसका जो साइड प्रोफाइल है वो पूरा आप चेक कर लीजिए, वन फ्रेम व्यू पूरा आपको मिल रहा है। कलर आपको कैसा लग रहा है आपको बताना है, अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको। व्हील एरिया है वो आप चेक कर सकते हो अपना, इधर अपना व्हील एरिया है वो आप देख लीजिए। इसके बाद अपने ORVMs हैं वो आप चेक कर लो, तो ये आपको दिए गए हैं बॉडी कलर पे, नीचे मिलती है ब्लैक एंड फिनिश। साइज़ काफ़ी इसका बड़ा है, बहुत बड़े से हैवी से ORVM प्रोवाइड करेंगे, डिज़ाइन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपका इंडिकेटर इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो आपकी रूफ रेल्स हैं ऊपर आपको ये मिलती है बॉडी में इंसर्टेड ब्लैक एंड फिनिश के ऊपर। अब इधर जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पीछे आ जाता हूँ और एक कोशिश करता हूँ इधर से भी पूरा आपको वन फ्रेम व्यू मिल जाए। देख लीजिए आराम से अच्छे से, और जो भी इसके स्पेक्स होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्लैडिंग्स आप देख रहे हो पूरी फ्रंट से लेके साइड्स में पूरी कैरी करी गई, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी आपके। इसके बाद अपने डोर हैंडल्स देख लीजिए, बॉडी कलर पे अवेलेबल है, और आपका जो कीलेस का पैच है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, तो आप इसकी जो डोर लाइन है विंडो लाइन है वो आप देख लो, कोई भी आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट या सिल्वर बीटिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करी गई, सिंपल ब्लैक फिनिश यूज़ में दिखती है। पूरा साइड प्रोफाइल आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे तो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा कम्प्लीटली आपको दिखाने के लिए। बूट मैं आपको अभी अंदर से चेक करा दूंगा क्योंकि इसका बैटरी चार्ज नहीं है, तो बूट मैं आपको अंदर से शो कर दूंगा। इधर आप देख रहे हैं अपना हाई स्टॉप लैंप, आपका जो डिफॉगर है वो प्रोवाइड करा गया, रियर वाइपर आपको नहीं मिलता है इसमें, क्रोम पे ब्रांडिंग हो गई, और प्लेटिंग है विटारा ब्रेजा की वो आपको प्रोवाइड करी गई है। आपके जो सेंसर्स हैं वो आपको दिए गए हैं जो अब गवर्नमेंट नॉर्म है, और आपका जो कैमरा वगैरह है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अपने जो टेल लैंप्स हैं वो आप देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन लग रहा है इस नई ब्रेजा में। ये मेरे थॉट्स हैं, आपके व्यूज़ अगर कुछ अलग हैं तो आप बता सकते हो कि आपको इसके टेल लैंप्स इसके हेड लैंप्स कैसे लगे, जो चेंज डिज़ाइन है आपके व्यूज़ जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अब इसका जो अदर साइड है मतलब कि जो को ड्राइवर साइड है वो आप पूरा चेक कर लो इधर, यहाँ पर आपका जो फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख रहे हो, और कम्प्लीट जो इसका साइड है वो आपको पूरा व्यू इधर मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था भाई कि मैं आपको जो बूट स्पेस है वो अंदर से दिखा दूंगा, तो चलते हैं और इधर इसका जो बूट है वो आपको चेक कराएंगे, वापस से फिर आएंगे बाद में पीछे। इधर अपना जो बूट स्पेस है वो आप देख सकते हो, अच्छी खासी डीप स्पेस इधर अवेलेबल है, काफ़ी सारा सामान आपका इधर आ जाना चाहिए जितना एक्सपेक्ट रहता है एक कॉम्पैक्ट SUV से, वैसी स्पेस आपको इधर प्रोवाइड करी गई है। वापस आ जाते हैं बाहर, और अब इसका जो ड्राइवर साइड डोर है वो ओपन कर लेते हैं, तो इधर आप पूरा व्यू ले सकते हैं इसके डैशबोर्ड का। सिंगल टोन देखने को मिल रही है आपको इसमें। इसके बाद अपनी जो पहले डोर की फिनिश है वो आप देख लो, तो आपकी जो डोर पॉकेट्स हैं, आपके पावर विंडो कंट्रोल है, फ्रंट वाला आपको ऑटो दिया गया है, विंडो लॉक है, डोर लॉक अनलॉक है, ये सब बटन्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं, सिंगल टोन आपको इधर देखने को मिल रही है। आप वापस से आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, पूरा व्यू आप ले लीजिए, कोई क्वेरी मन में आ रही हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट्स में पोस्ट करके। अभी तक आपको गाड़ी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेस्ट ड्राइव के लिए कंपनी का लिंक यूज़ कर लीजिएगा। सिंगल टोन आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करा गया है, बीच बीच में सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलते हैं। सीट एडजस्टमेंट दोस्तों चेक कर लेते हैं, तो इधर केवल आपकी जो बैक एडजस्ट है वो आपको दिया गया, हाइट एडजस्ट आपको इसमें प्रोवाइड नहीं करा गया जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। तो बाहर से काफ़ी बात हो गई है, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपसे डिटेल में बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में, तो लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा VXI मॉडल के अंदर आ गया हूँ।
अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ हमेशा की तरह। आप इसका जो डैशबोर्ड है वो आप अच्छे से आराम से पूरा देख सकते हो। लगभग एक ही टोन आपको देखने को मिल रही है, बीच बीच में आपको बस सिल्वर फिनिशेस प्रोवाइड करी गई थोड़ा से ब्यूटिफिकेशन के लिए, थोड़ा सा आपको अच्छी वाली फील आए और इंटीरियर दबा हुआ नहीं लगेगा आपको, काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर इसका लग रहा है। बाकी आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अब ऊपर देख लेते हैं अपना अपर पार्ट डैशबोर्ड का। जैसे आपने ब्रेज़ा में देखा हुआ है शानदार ब्रॉड सा डैशबोर्ड दिया गया, रगेट फिनिश इधर प्रोवाइड करी गई है, जैसे आप चाहना वैसे यूज़ कर लेना। मस्त वाला पूरा जो इसकी विथ है वो देखने को मिल रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलते हैं तो बटरफ्लाई फील आपको आने वाला है इसको देखकर। आपका जो आरपीएम मीटर है, आपका जो डीआईएस है, आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। ये मेरा आप हैंड देख सकते हो, काफ़ी ब्रॉड सा पूरा इसका जो ओपनिंग है वो प्रोवाइड किया गया है। टॉगल्स देख लीजिए तो वाइपर का टॉगल है इधर, आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल दिया गया है जो जनरल सेटअप रहता है मारुति की गाड़ियों में। इसके बाद जो इसकी स्टेयरिंग है पीछे आ जाते हैं, पूरा आपको व्यू मिल रहा है इसकी स्टेयरिंग का। सुजुकी की ब्रांडिंग क्रोम पे दी गई है और भी एक्स्ट्रा कोई इंसर्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इधर आपकी मीडिया कंट्रोल्स है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपका म्यूट है, इसके अलावा मोड है, वॉल्यूम है, ट्रैक वगैरह चेंज करना वो आप इधर से कर पाओगे। पकड़ के भी देख लेते हैं स्टेयरिंग, तो काफ़ी अच्छी स्टेयरिंग प्रोवाइड करी गई। जनरली आपने देखा है मारुति सुजुकी की गाड़ियों में स्टेयरिंग्स काफ़ी बढ़िया दी जाती हैं। बाकी अब तक जो लोग भी टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं न्यू ब्रेज़ा की, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर दीजिएगा। ड्राइवर साइड लगभग पूरा कवर हो गया है, चलते हैं इसके एसी वेंट्स की तरफ। ये देख लो आप, कोई भी आपको इधर एक्स्ट्रा इंसर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिंपल ब्लैक फिनिश प्रोवाइड करी गई है। इधर आपके जो ओआरवी एडजस्टर है वो आपको प्रोवाइड करेगा, साथ में जो आपका हेडलैम्प एडजस्टर है वो आप देख रहे हो। इधर आपकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको देखने को मिल रही है, क्रोम बॉर्डरिंग के साथ प्रोवाइड करी गई, और काफ़ी बड़ी सी हैवी सी बोल सकते हैं बटन देखने को मिलती है। इसकी पोजिशनिंग भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी। अब ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया, जो भी रिलेटेड स्पेक्स थे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल गए होंगे। कोई डाउट हो मन में तो पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट्स में पोस्ट करके। अब इसका जो सेंटर कंसोल है वो आपको पहले मैं नीचे तक चेक करा देता हूँ, अच्छे से आपको पूरे सेंटर कंसोल का आइडिया लग जाएगा। हमेशा मैं आपको पहले नीचे तक पूरा व्यू दे देता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसका मेन पार्ट बोल सकते हैं आप सेंटर कंसोल का। एसी वेंट काफ़ी ब्रॉड है, ये आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा आपको एयर फ्लो मिलेगा। हैजार्ड लाइट की बटन हो गई, सिल्वर पूरा जो बॉर्डरिंग है वो प्रोवाइड करा गया, और उसी पैनलिंग में आपको सिस्टम भी देखने को मिलता है। अब ये एक नॉर्मल सिस्टम है, अगर आपको टच चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो चाहिए, एप्पल कारप्ले चाहिए, तो उसके लिए आपको बोल सकते हैं कि इनके टॉप एंड लेना पड़ेगा जो आपके ZXi वगैरह मॉडल हैं। यहाँ पे आपका CD/DVD इंसर्ट पॉइंट हो गया, ब्लूटूथ की ब्रांडिंग आप देख सकते हो। इधर आपकी जो इजेक्ट बटन है, मोड है, USB है, ये आप देख सकते हैं। USB मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, इधर से ही आप खोल लेना। मैं इसको ओपन, अभी मेरे से ये ओपन नहीं हो रही है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। USB बटन इधर, USB इंसर्ट हो जाएगी। ये डिस्प्ले FMEM सेटअप और ट्रैक वगैरह चेंज करना। डिस्प्ले भी काफ़ी ब्रॉड सा दिया गया है, आराम से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे कि क्या आपके सिस्टम में चल रहा है। नीचे आपके सरल जो बटन कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं आपको, और आपका जो कॉल डिस्कनेक्ट है, कॉल कनेक्ट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। दो रोटरी नॉब दी गई हैं, पूरी ब्लैक एंड फिनिश में देखने को मिल रही हैं। नीचे आ जाते हैं तो आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो देखने को मिलता है, और आपका जो डिस्प्ले वो भी प्रोवाइड करा गया, तो फंक्शनिंग आप इधर भी चेकआउट कर पाओगे। इसके बाद इधर आप देख रहे हैं तो आपका जो USB है, ऑक्स है, दोनों प्रोवाइड करे गए, मतलब मोबाइल में कोई म्यूजिक है कनेक्ट करके ऑक्स केबल से यहाँ पे प्ले कर लेना, USB में भी कनेक्ट करके आप प्ले कर सकते हो। इधर आपका जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आप चेक कर लो, ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, और इसकी जो की है वो भी इधर ही रखी हुई है, रिमोट कीज आपको प्रोवाइड करी गई हैं, और अच्छी सी कन्वेंस स्पेस इधर अवेलेबल है। गियर की बात करते हैं तो 5-speed गियरबॉक्स मॉडल है विद रिवर्स पियानो फिनिश और क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके साइड्स में पूरा आपको ये फ्लोइंग डिजाइन हल्का सा लगेगा, काफ़ी बढ़िया सा पूरा पैनलिंग इधर प्रोवाइड करा गया है। पीछे तक जब आप बात करते हो, दो इधर आपके कप होल्डर हो गए, आपका हैंड ब्रेक दिया गया है क्रोम बटन के साथ। बाकी इधर पीछे देख लीजिए तो इधर भी आगे कन्वीनियंस स्पेसेस आपको काफ़ी ब्रॉड सी प्रोवाइड करी गई हैं। सेंटर कंसोल भी दोस्तों कवर हो गया, जो भी रिलेटेड स्पेक्स थे आपको साइड्स में शॉट्स में देखने को मिल गए होंगे। अब चलते हैं इसका जो को ड्राइवर साइड है वो आपको चेक कराएंगे। को ड्राइवर साइड पूरा व्यू आप ले लीजिए, इधर अपनी जो पैटर्न है वो आप चेक कर सकते हो, पैटर्न आपको इधर भी देखने को मिल रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं, जो आपका अपर ग्लव बॉक्स है इसमें देख लेते हैं। इसमें कोई भी कूलिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करी गई, आप देख सकते हो वेंट बंद करके रखा है, ये आपका अपर ग्लव बॉक्स हो गया। और नीचे वाला चेक कर लेते हैं, नीचे वाला भी आपको डीप दिया गया, जैसे आप चाहना वैसे यूज कर लेना, काफ़ी सारी स्पेसेस इधर ओपन है। और इधर आपका जो सिल्वर इंसर्ट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है ब्यूटिफिकेशन के लिए। अब ऊपर देख लेते हैं, वैंटी मिरर आपको दिया गया है लिड के साथ, ये आप देख रहे हो, लेकिन ये लाइटेड नहीं है, ये देख रहे हैं अब लिड के साथ दिया गया है। और चेक कर लेते हैं अब ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड आपको वैंटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। केबिन लैंप आपको इधर नहीं मिलता, आपको सेंटर में दिया गया, और काफ़ी ब्रॉड सा क्लस्टर दिया गया है, अच्छी बात है, रोशनी काफ़ी बढ़िया सी मिलने वाली है यहाँ पे।
अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट मैंने पूरा आपसे कवर कर दिया है अच्छे से, पूरा आपको जो फ्रंट से मेरा मतलब है डैशबोर्ड पूरा अच्छे से दिखा दिया है। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई मन में क्वेरी आ रही है तो नीचे कमेंट्स में पोस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको अगर इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी मॉडल्स के बारे में जानना है, वैसे तो आगे आपको धीरे धीरे करके सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक है, वो भी आप विजिट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम टेस्ट ड्राइव अपनी बुक करने के लिए। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहां बैठकर बात करेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, आर्मरेस्ट वगैरह है कि नहीं, एसी वेंट वगैरह है कि नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में और वहां बैठकर आपसे बात करते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा की सेकंड रो ऑफ सीट। हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल दिए गए जैसे आपने आगे देखे हुए हैं। पहले मैं पीछे आ जाता हूं, उसकी जो एंट्रेंस है वो आपको चेक करा देता हूं, तो आराम से आप अंदर आओगे बाहर आओगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही वाइड सी एंट्रेंस प्रोवाइड करी गई है। डोर देख लीजिए तो आपकी डोर पॉकेट्स हो गए, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, पूरा आपको ब्लैक एंड टोन इधर देखने को मिल रहा है। इसके बाद चेक करते हैं आर्मरेस्ट के लिए, तो आर्मरेस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करा गया है, प्लेन सीटिंग आपको देखने को मिल रही है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाहर से काफ़ी बात कर ली है। हाइट आपको मेरी पता है 6 फीट है, जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी। अब इधर आप देख लो स्पेस अभी इतनी खाली है, अब मैं आपको आगे की स्पेस भी चेक करा देता हूँ, ये आप देख लो और फिर पीछे की फिर से देख लो आप, तो आराम से बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लग रहा है। और हेडरूम भी सुपर्ब है जैसे आपने ब्रेज़ा में देखा हुआ है, अपना थाई सपोर्ट है वो भी आप चेक कर लो। इसके अलावा जो हम्प है पीछे का, इतना कोई हैवी हम्प नहीं दिया गया, तो पैसेंजर जो बीच में बैठेगा उसको भी दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग ड्राइव में लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं हम्प की वजह से। इसके बाद इसकी सीट बेल्ट हैं वो आप देख लो, सेफ्टी हैंडल्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं तीनों डोर्स पे, ये आप देख रहे हैं, ड्राइवर साइड की ज़रूरत नहीं होती है। केबिन लैंप मैंने आपको दिखा दिया था, सेंटर में दिया गया, तो पूरे केबिन में बराबर वाली रोशनी आपको मिलनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसके सेंटर में और इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको चेक करा देते हैं। हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो अच्छे से पूरा आपको डैशबोर्ड चेक करा देता हूँ। इधर इसका आप जो पूरा वन फ्रेम व्यू है वो आप ले सकते हैं, वन फ्रेम पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि आपको ये कैसा लग रहा है, इसमें आपको क्या चेंजेस और एक्सपेक्टेड थे 2020 में, वो आपको शेयर करने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आपके व्यूज़ कंपनी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। आपको इस गाड़ी में नए मॉडल में क्या नहीं अच्छा लगा वो भी आपको बताना है, क्योंकि आप शायद कस्टमर हो, आगे आप इसको शायद लेने वाले हो और आपको कुछ अगर और उम्मीद थी इसमें एडिशंस की तो वो नीचे बता दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। अब मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल इस गाड़ी का दे दिया है, साइड्स में शॉर्ट्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लगभग जो भी फीचर्स रिलेट करते हैं गाड़ी से सारे आपको मिल गए होंगे देखने के लिए। अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखिए, प्ले स्टोर ऑप्शन ज़रूर विजिट करिए, देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।